हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम दोस्तों हमने एक टेबल क्रिएट किया था डेटाबेस के अंदर। तो आज हम देखेंगे कि उस टेबल के अंदर हम कैसे अपने डेटा को इंसर्ट करना है, जो वैल्यूज डालनी है कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने एक्सक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे और इसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, जो हमारी मेन चीज स्टार्ट है, वो आज से हुई है। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने क्वेरी एनालाइजर में जाएंगे और दोस्तों यहाँ पे हम टाइप करेंगे, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि हमें जब भी हम किसी चीज़ में इंसर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो डेटा हो या कुछ भी हो, टेबल हो सॉरी, जो टेबल के अंदर जब इंसर्ट करना चाहते हैं, तो पहले सबसे पहले हमें डेटा बेस को सिलेक्ट करना होता है कि कौन से डेटा बेस के अंदर आप उसे इंसर्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों पहली कमांड हम जो लिखेंगे वो होती है यूज डेटा बेस। हमारे डेटाबेस का नाम क्या है दोस्तों, वो देखेंगे कि हम कौन से डेटा, हमने लास्ट टाइम स्टूडेंट का डेटाबेस यूज किया था, उसके अंदर हम दो टेबल बनाए थे। ठीक है, तो हम अपना डेटाबेस है वो दोस्तों आज यूज करेंगे स्टूडेंट का। ठीक है, और इस क्वेरी को हम क्या करेंगे दोस्तों, सॉरी यूज डेटाबेस नहीं, सिर्फ सिंपल ये कमांड आएगी यूज स्टूडेंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारे डेटाबेस स्टूडेंट नाम का वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट कमांड दोस्तों हमारे जो है, अब हमें टेबल के अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है, तो उसकी कमांड होती है दोस्तों इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम दोस्तों हम ले रहे हैं एसटीडी डिटेल्स। ठीक है, मैं इसके अंदर आपको कॉलम्स भी दिखा देता हूँ ताकि यहाँ हमें गलती ना लगे, ये आपके कॉलम्स है। ठीक है, कॉलम्स हम अपने डेटाबेस का स्केलेटन भी देख सकते हैं, उसके लिए भी कमांड आपको मैं बताऊंगा। इंसर्ट इनटू, इनटू के बाद आता है दोस्तों टेबल का नाम, टेबल का नाम है दोस्तों हमारा एस टी डी डी ई टी ए आई एल। दोस्तों आप स्मॉल और कैप्स में मत जाइए क्योंकि ये इन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, तो एस टी डी डिटेल। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद हम लिखेंगे वैल्यूज, ये कीवर्ड है इसका, कि हम टेबल जो है हमारा एस टी डी डिटेल, उसके अंदर हम वैल्यूज डाल रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमने सबसे पहले लिया था रोल नंबर, रोल नंबर दोस्तों था हमारा आई एन टी, हम दे देते हैं यहाँ पे वन, ये वैल्यू जाएगी किसके अंदर, ये वैल्यू वन जो है दोस्तों हमारे इस रोल नंबर को अलॉट हो जाएगी। ठीक है, पहले रो में, फिर देंगे कोमा, कोमा के बाद दोस्तों हमारे पास है एस नेम, मतलब स्टूडेंट का नाम। देखिए कैरेक्टर की जो भी चीज होती है हम उसको एक सिंगल कोट में डालते, तो एस नेम हम डाल देते जैसे सपना। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। अब इसके बाद फिर से कोमा, अब ये सपना किस में जाएगा दोस्तों, ये एस नेम में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास एस एड्रेस, स्टूडेंट का एड्रेस, तो कुछ भी ले लीजिए कि एड्रेस के अंदर दिल्ली, पहले देखिए दोस्तों गलती मैंने करी, एक सिंगल कोट डालना था दिल्ली, दिल्ली जामिया कॉलेज, कुछ भी डाल लीजिए, जामिया कॉलेज नियर कुछ भी ले लीजिए, ऐसे इतना एड्रेस ले लीजिए। ठीक है, ये हमें एक स्ट्रिंग डालनी है बेसिकली, ये एक एड्रेस हो गया उसका। नेक्स्ट दोस्तों फिर हम कोमा लेंगे और सेल नंबर, सेल नंबर के अंदर दोस्तों हम डालेंगे कोई भी फोन नंबर ले लीजिए, जैसे 9999999999, मतलब 10 बार ले लो 9 बार लो आपके ऊपर है, बात है इसके अंदर वैल्यू डालने की। नेक्स्ट दोस्तों हमें डालनी है डेट। ठीक है, अब डेट के लिए सबसे पहले दोस्तों आता है मंथ, मंथ हमने डाले उसका डेट ऑफ बर्थ डालना, सपोज 10 डाला हमने 10 के। दोस्तों आपको एक चीज़ याद दिला दूँ कि जो भी डेट होती है वो सिंगल कोट्स में ही जाती है, ध्यान रखिएगा 10 के बाद दोस्तों हम बैकस्लैश डालेंगे, हमने उसके बाद डालना है दोस्तों, पहला हो गया मंथ, दूसरा हो गया दोस्तों डेट, डेट डालेंगे हमने 21 डाल ली, उसके बाद दोस्तों हम डालेंगे ईयर, ईयर में आप 1985 डाल लीजिए। ठीक है, ये हो गया दोस्तों, और ये ब्रैकेट बंद करेंगे। देखिए सारी वैल्यूज हम डाल चुके हैं, अब दोस्तों हम इस कमांड को अगर रन करेंगे तो ये देखिए वन रो इफेक्टेड, ये चीज़ दोस्तों हमारी कहाँ चली गई, हमारी एक रो बन गई है जिसके अंदर ये डिटेल्स ऐड हो गई है। ठीक है, अब इसको देखने का तरीका कैसे है कि इसकी जो
टेबल के अंदर जो डेटा है उसको देखने का तरीका क्या है, सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब हर सारी रो जितनी भी है सारी रो दिखाएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, फ्रॉम के बाद हम नाम डालते हैं दोस्तों टेबल का नाम एसटीडी डिटेल, ठीक है। इसको जब हम रन करेंगे तो दोस्तों आ गया, देखिए रोल नंबर सब एस नेम एस एड्रेस सेल नंबर और डीओबी जो डिटेल दोस्तों हमने डाली थी वो सब इसके अंदर इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। इसे हम कमेंट कर देंगे। ऐसे ही दोस्तों इस कमांड को दोबारा से हम चेंज करके इसके अंदर वैल्यूज को चेंज करके सपना की जगह इसको आप राहुल कर लीजिए, ठीक है, दिल्ली की जगह आप इसे मुंबई कर लीजिए, और इसे आप दोस्तों फोन को कुछ भी कर लीजिए हल्का फुल्का चेंज करने, डेट को आप 31 कर लीजिए और अब हम फिर से इस कमांड को सिलेक्ट करेंगे क्वेरी को और इसे रन करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों फिर से अब एक रो और इंसर्ट हो गई है, अब हमारे पास दोस्तों दो रो दिखाएगा ये, ठीक है, देखिए दो रो आ गई दोस्तों। तो ये था दोस्तों कैसे हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं अपने टेबल के अंदर। दोस्तों दूसरा तरीका एक हो रहा है कि कई बार जैसे हमें याद नहीं रहता कि हमने कौन सी सीरियल वाइज रो डाली थी, सॉरी जो कॉलम डाले थे, तो उसको अगर उस केस में कि हम भूल जाए कि क्या डाल के, बट हमें ये याद है कि कॉलम्स ये थे या किस कॉलम में हमें डेटा डालना है, तो उसको करने का तरीका क्या है दोस्तों, देखिए इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम है एसटीडी डिटेल, ठीक है एसटीडी डिटेल। इसके बाद दोस्तों हम देंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद दोस्तों हम लिखेंगे जो जो फील्ड हमें डालनी है, जैसे पहले आप डालना चाहते हैं एस नेम के अंदर वैल्यू जाए, ठीक है, उसके बाद आप डालना चाहते हैं कि रोल नंबर के अंदर वैल्यू जाए, ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप डालना चाहते हैं कि सेल नंबर के अंदर वैल्यू जाए, आप जो डालेंगे फिर डेट ऑफ बर्थ के अंदर। नेक्स्ट आप डालना चाहते हैं दोस्तों एस ए एड्रेस, ठीक है एस ए एड्रेस के अंदर वैल्यू जाए, फिर आपको ये ब्रैकेट बंद करनी है, फिर आपको वैल्यूज लिखनी है, ठीक है, और फिर ब्रैकेट खोलनी है, ठीक है। अब एस नेम के अंदर आपको नाम डालना है, तो आप मैं अपना नाम डालता हूँ दीपक, ठीक है, मैंने सिंगल कोट के अंदर डाला क्योंकि कैरेक्टर वैल्यू है। रोल नंबर मुझे डालना है, मैं ऑलरेडी एक रोल नंबर 1 2 डाल चुका हूँ, तो अब मैं 3 डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मुझे डालना है सेल नंबर, ठीक है, सेल नंबर दोस्तों मैं डाल देता हूँ कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या डालना है दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ कुछ भी, सिंगल कोट 04/10/1985, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हमें कौन सी फील्ड डालनी है, एड्रेस, वो भी सिंगल कोट में आएगा, कुछ भी आप डाल सकते हैं, जैसे दिल्ली डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। और अब आपको ब्रैकेट बंद करनी है, ठीक है दोस्तों। तो जिस आपने यहाँ पे खुद एक सीक्वेंस बताया कि मैं इस सीक्वेंस में अपनी वैल्यूज को डालूंगा, वो आपने डाली है, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है दोस्तों, ये मेरी वैल्यू जो है वो इंसर्ट हो जाएगी मेरे इस टेबल के अंदर। देखिए तीनों वैल्यूज आ गई है दोस्तों हमारी, तीनों दिखा जब हमने डेटा डाला था। तो ये दूसरा तरीका था जब हम अपना पैटर्न भूल जाए कि हमने किस सीक्वेंस में अपने जो टेबल को क्रिएट किया था उसके अंदर जो कॉलम थे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया इंसर्ट करने का तरीका। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम दोस्तों और भी इसे आगे बढ़ेंगे कि कैसे, अभी हमने डेटा बेस बनाना सीखा है, फिर टेबल बनाना सीखा है, कैसे हमने इंसर्ट किया है, और भी इसके आगे कैसे हमें काम करना होता है डेटा बेस के अंदर वो देखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए टेक केयर, बाय। और जो भी बीटेक इंजीनियरिंग में आईटी और सीएससी के ट्यूटोरियल्स को देखना चाहते हैं, यहाँ पे आते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज ट्यूटोरियल मिलेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों आप यहाँ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबा के आप दोस्तों जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको हैंड टू हैंड उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।
आप दोस्तों हमारी वेबसाइट पे भी जाके हमारे ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं और इनसे रिलेटेड जो भी पीडीएफ नोट्स है उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे आप क्लिक करोगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे तो दोस्तों ऐसे पेज खुलेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक यहाँ पे लेफ्ट साइड में टॉपिक होंगे। आप यहाँ जाइए और सिर्फ आपको यहाँ पे डाउनलोड दिस ट्यूटोरियल को क्लिक करना, तो इस टॉपिक से रिलेटेड इस ट्यूटोरियल की पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड हो जाएगी।